सिरमन पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सिरमन पुलिस अधीक्षक महोदय राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय प्रवीण भूरिया के मार्गदर्शन में एवं एसटीओपी महोदय पिछोर देवेंद्र सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में थाना प्रभारी मायापुर द्वारा 3 मई को मुखबिर की सूचना पर से ग्राम तैरही में करण वंशकार घर के पास से आरोपी करण पुत्र देव सिंह परिहार उम्र 40 साल निवासी बघारी थाना मायापुर के कब्जे से 2 प्लास्टिक की कैनों में एक में 35 लीटर व दूसरे में 30 लीटर कुल 65 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब अवैध रूप से आरोपी गण अपने पास रखे मिलने से आरोपी से अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब जब्त की गई एवं आरोपी का एक साथी राहुल पुत्र रघुराज सिंह यादव निवासी ग्राम तैरही का मौके पर से भागने में वह सफल रहा। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें गिरफ्तारी के बाद प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को माननीय न्यायालय पिछोर में पेश किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मायापुर हरिशंकर शर्मा एवं उनकी टीम सौनी डीडी शर्मा अजय पेट्रोल आर सुरेंद्र सिंह सर्वेश शर्मा गणेश मांझा ब्रिजेश माहौर विक्रांत शर्मा की सराहनीय भूमिका रही। शराब पकड़ी गई है, क्या मामला है? हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी द्वारा अवैध शराब कच्ची शराब वालों के खिलाफ सख्ती से चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज इलाका गश्त के दौरान ग्राम तेरही में 2 व्यक्तियों द्वारा शराब 2 कैनों में कच्ची शराब भर के कहीं बेचने के लिए ले जाने का इंतजार करने की सूचना मिली थी। सूचना पर से पुलिस द्वारा दबिश दी गई तो ग्राम तेरही में करण वंशकार के मकान के पास 2 व्यक्ति खड़े दिखे जो पुलिस की गाड़ी को देखकर एक व्यक्ति उसमें से भागने में सफल हो गया। दूसरा व्यक्ति करण परिहार निवासी ग्राम बगारी का मौके पर पकड़ा गया जिससे 2 प्लास्टिक की कैनों में एक में 30 लीटर एक में 35 लीटर कच्ची कुल 65 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब बरामद की गई है। एक व्यक्ति जो मौके से फरार हो गया है उसका नाम राहुल यादव निवासी तेरही का है। ये दोनों व्यक्ति काफ़ी समय से कच्ची शराब का अवैध कारोबार कर रहे थे जिस पर पुलिस काफ़ी दिनों से अपने मुखबर तंत्र लगाकर कार्रवाई करने का वो कर रही थी। आज शराब तस्करों को ऐसा लगा कि सारी पुलिस ईद ड्यूटी में व्यस्त है तो इस समय उनको अच्छा मौका है 2 नंबर की शराब ले जाने में, उसका फ़ायदा उठाकर वह शराब कच्ची शराब ले जा रहे थे तो पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर से कार्रवाई करके उसको शराब जब्त की है। ये आरोपी को गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। एक व्यक्ति जो मौके पर फरार है उसको भी आगे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू सर।